माना कि किसी के पाप 5 किलो हैं, तो 5 किलो पापों का दंड देने के लिए 84 लाख योनी में फिर भेज देंगे। जाओ कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, सुअर बनो, हाथी बनो, चमगादड़ बनो, नाली का कीड़ा बनो, जाओ भोग के आओ। जब भोग के आएंगे तो फिर जो थोड़े से पाप हैं, जो थोड़े से पुण्य बचे, 100 ग्राम पुण्य माना कि, उस पुण्य के बल पर आपको फिर मनुष्य का शरीर दिया जाएगा। और अब ज़्यादा पुण्य करके जाएंगे तो सदगति हो जाएगी, और जरा कम पुण्य रहे तो 84 के चक्कर में भटकते रह जाओगे। इसलिए पुण्य ज़्यादा पाप कम करना चाहिए, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं। पाप पाप ज़्यादा करेंगे तो भोगते रहेंगे नाली का कीड़ा बन के। अभी तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है। कोई केला खाए और पानी पी जाए, बताओ क्या होगा? जोर से बोल दो, कोई केला खा के पानी पी जाए क्या होगा? जोर से। सर्दी खांसी होगी? बिल्कुल होगी। केला खाए और पानी पी जाए तो सर्दी खांसी होगी? आज नहीं हुई कल होगी, कल नहीं हुई परसों होगी, वो होगी थोड़ी बहुत जरूर। आप स्ट्रांग हैं, मौसम अनुकूल है तो भले पच जाए। अब जैसे गर्मी है बहुत ज़्यादा और कोई केला खा के पानी पी ले तो वो ठंडक बन के शरीर को मेंटेन कर लेगी, पर अब ये सर्दियों में कोई केला खाए और पानी पी जाए तो निश्चित सर्दी होनी ही होनी। वो परिणाम आपको आज नहीं दिखेगा, गलती करोगे परिणाम भोगना पड़ेगा, उसी तरह पाप करोगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। केला खा के पानी पियो हो सर्दी होगी, पाप किए हो दंड मिलेगा, सिंपल है। बचेगा कोई नहीं। 3 दिन के लिए आपको सर्दी होगी, ऐसे पाप किए हो तो कुछ दिनों के लिए नरक जाना पड़ेगा। तो आप जाना पसंद करोगी मेरी माँ? इसलिए कहता हूं सास के खूब पांव दबाया करो, पति के पांव दबाया करो, यही पुण्य है। जब आप लोग अपने सास को उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, कुछ बहुएं घोर नरक जाएंगी, ऐसी बहुएं जो गाली देती हैं सासू माँ को, अपमान करती हैं सासों का। मैया ताली बजा रही हो, आपकी बहू गाली देती है? नहीं। ठीक कह रहे हैं महाराज जी, सेवा नहीं करती बिल्कुल। माताएं बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं बेचारी। हाँ? मैया आपकी सेवा होती है? बहुएं करती हैं सेवा, पांव दबाती हैं, पानी दबाती हैं? थोड़ा दबाया करो मेरी माँ, बूढ़ी अम्मा के पांव। फिर कल आपकी बहू आएगी, फिर वो भी आपके पांव दबाएगी, जब आप दबाएंगी आपको देखेगी तो। इसलिए पांव दबाया करो। मैया आपकी बहुएं कहाँ हैं, चली गई? सुनवाना ये बात, पाँव वाँ दबाया करें रोज, बढ़िया सवेरे शाम सेवा किया करें। माँ क्या लोगी, दूध लोगी, पानी लोगी, जूस लोगी क्या? बूढ़े लोगों को खूब सेवा करनी चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा ही भगवान की सेवा मान के करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा है ना। बुजुर्ग ही भगवान है ये समझो, बच्चे और बूढ़े भगवान है, बच्चे और बूढ़े ये सब भगवान, दोनों भगवान की कोटि में है। इसलिए करना, सबको करना चाहिए, हम भी करें आप भी करें, क्योंकि हम भी बूढ़े होंगे आप भी बूढ़े होंगे, हमको भी वो दिन देखने पड़ेंगे जो आज आपकी सास ससुर को देखने पड़ रहे हैं। तो ये प्रकृति है सबके साथ, नेचर यही करेगी, यही होगा। इसलिए चलो, तो हम लोग जो भोगते हैं वो अपने कर्म दंड भोगते हैं, तो नरक जाना और स्वर्ग जाना क्या है? आपने जो पाप किया है पापों का दंड नरक जाके भोगना पड़ेगा या 84 का चक्कर। 2 प्रकार का नरक होता है, 28 प्रकार के तो होते हैं, रौरव महारौरव कुंभी पाकंद्र तामिश्र ऐसे कालसूत्र असी पत्र बन, ऐसे तो 28 नरक होते हैं, पर 84 लाख योनियां भी एक नरक ही है। भाई कुत्ते की योनि क्या है? कुत्ता कुछ भी चाट रहा है, कुछ भी खा रहा है, नरक ही तो है उसके लिए। अपने हिसाब से तो कुत्ता नरक में ही है। सुअर कहाँ है? सुअर एक प्रकार का नरक में ही रहता है। आज इंसानों को छोड़कर सारे लोग कहाँ हैं? ये नरक ही है, यही नरक, अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः, यही नरक है। इसलिए
जैसी करनी वैसी भरनी। 84 लाख योनियां, ये 84 लाख भगवान के जेल हैं, जो जैसा पाप करता है उसे वैसी योनि में डाल दिया जाता है। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए मैं कर दूं, ये बताओ कि आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या केवल 50 करोड़ थी, माना कि फॉर एग्जाम्पल, तो आज 135 करोड़ जनसंख्या हो गई। तो जब आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है, तो ये जनसंख्या कहां से बढ़ गई? ये सवाल कभी आपके दिमाग में खड़ा होता है कि नहीं? नहीं होता, इसलिए दास ने आपको प्रश्न भी दिया है, उत्तर भी देगा। बताओ, आज के 50 साल 100 साल पहले भारत की जनसंख्या माना कि 50 करोड़ थी, क्यों जी? सही है, आज 140 करोड़ है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ गई? जब शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, नैनम छिंदंती शस्त्राणि न मरति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती, आत्मा अजन्मा है, अमर है। जब जन्म नहीं लेती आत्मा, जब मरती नहीं है आत्मा, तो भैया ये जब बिना मरी आत्मा, फिर इतने जनसंख्या कहां से बढ़ गई? ये प्रश्न है या नहीं? उत्तर दे दूं? उत्तर लो। एक बात बताओ, यदि आपके सामने 5 दर्पण रख दिए जाएं, तो आप 5ों दर्पणों में एक से देखोगे कि नहीं? हाँ या ना? यदि 100 दर्पण रख दूं मैं, तो आप 100 हो जाएंगे? आप एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब 100 हैं। बिंब के प्रतिबिंब कितने हैं? यदि 1 लाख दर्पण रख दूं मैं, तो आप 1 लाख हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना? हो जाएंगे? नहीं होंगे? आपके सामने 1 लाख दर्पण रख दूं, तो आपके प्रतिबिंब 1 लाख हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, हाँ या ना? आप तो एक हैं, आप एक के एक ही रहेंगे, पर आपके प्रतिबिंब सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों लाखों हो सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उस ईश्वर के प्रतिबिंब ही हम सबकी आत्मा है, वो कितने भी हो सकते हैं। इसलिए ना वो प्रतिबिंब ना तो जन्म लेता है ना मरता है। कांच तोड़ दो तो प्रतिबिंब बिंब में जाके मिल गया। भाई जब बिंब मरेगा तो प्रतिबिंब मरेगा, बिंब नहीं मरेगा तो प्रतिबिंब कैसे मरेगा? जैसे आपके सामने दर्पण है, तो दर्पण में आप तब तक दिखेंगे जब तक आप रहेंगे, आप रहेंगे तब तक दिखेंगे, आप नहीं रहेंगे तो नहीं। तो ईश्वर तो सदा है, तो जब तक वो हैं तब तक आत्माएं हैं, जितने चाहे भगवान उतने भगवान आत्माएं प्रतिबिंब के रूप में भेज सकते हैं। इसलिए आत्मा पहले कम थी ज्यादा है, ये सवाल कोई सवाल नहीं, ये तो ईश्वर का प्रतिबिंब है, कितने भी हो सकते हैं, कम भी ज्यादा भी। इसलिए सवाल कुछ लोग करते जरूर हैं, पर इस सवाल में कोई दम नहीं, ये अज्ञानवश सवाल खड़े होते हैं। चलो, तो शरीर और आत्मा से संबंधित बातें समझ में आई? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा शरीर को क्या करता है? जल्दी जल्दी दोहराओ, रिवीजन। आत्मा शरीर को क्या करती है? जोर से बोल दो, अभी समझाए इतनी देर। ओनली आत्मा का काम है शरीर को पावर देना, एनर्जी देना, आंखों को देखने की, कानों को सुनने की, दिल को धड़कने की। आत्मा गई, एनर्जी गई देखने की, मर गया, फिर भोगा कौन? पाप पुण्य जो किया वो कौन भोगेगा? जोर से आप बताओ, जो पाप किया आपने वो कौन भोगेगा? ये मैया बताएंगे, दिल है? टुप्पी टाप ना होना मेरी माँ, कौन भोगेगा? जोर से, सूक्ष्म शरीर। हमारे कितने शरीर होते हैं? कौन कौन से? 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। ये शरीर कौन सा शरीर है? ये जो बैठा है इसे क्या कहते हैं? स्थूल। जो सपना देखता है वो सूक्ष्म, और जिसके कारण शरीर मिला वो
कारण। तो आपका जो मन है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हमारा मन है, एक्चुअली मन ही सूक्ष्म शरीर है। तो हम जो पाप पुण्य करते हैं वो मन में सब नोट होता है, यमराज जी वहां फाइल खोलते हैं कितना पाप किया कितना पुण्य किया। तो जो आपने किया है वही आपको मिलता है। मैया ये बताओ, यदि कोई आज के समय कोई अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, काना है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो मुझे बताओ उसके दुख का कारण कौन है? आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपके दुख का कारण कौन है? जोर से, आप स्वयं। आप स्वयं, आपने जैसा कर्म किया होगा वो कर्म ही आपको फल के रूप में मिल रहे, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, जैसा किया है वैसा हमें मिल रहा है, इसलिए उसे आनंद से भोगना चाहिए। आपके जीवन में यदि गरीबी है वह भी आपके किसी ना किसी पाप का ही फल है। आप अमीर हैं तो वह आपके पुण्यों का फल है। आप शरीर से दुखी हैं वह आपके पापों का फल है। आप शरीर से सुखी हैं वह आपके पुण्यों का फल। एक सिंपल समझो भाषा, आपके जीवन में जो भी दुख आता है वह इसलिए आता है कि आपके पाप उदय हो गए। पाप हमेशा दुखी करता है और पुण्य हमेशा, आपको यदि सुख मिला तो आपने पुण्य किए हैं इसलिए, आपको दुख मिला आपने पाप किए हैं इसलिए। कोई ना काहू को सुख दुख कर दाता, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हर आदमी जो दुख और सुख पाता है वह किसके कारण पाता है? उत्तर दो। वह व्यक्ति किसके कारण पाता है? जोर से, मैया, ओ मेरी माँ, कान लगा लगा के सुन रही, बोलो हाँ क्या कहा? हाँ वो सुना, जो हम कह रहे हैं यहां कान नहीं लग रहा मैया का। सुनो, आपने जो भी पाप किया है उसके बदले में क्यों क्या मिलेगा? पाप के बदले में दुख और पुण्य के बदले। तो आप किसी को दोष ना दें, आपको पति बुरा मिला है वह आपके किसी ना किसी जन्म के कर्मों का दंड है, और आपको पति अच्छा मिला है वह भी आपके कर्मों का फल है। बेटा आपका लायक है यह भी आपके कर्मों का फल है, और आपका बेटा नालायक है यह भी आपके कर्मों का। ये सब कुछ हमारे कर्मों से, जैसी करनी किए, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जैसी करनी। इसलिए दास हमेशा कहा करता है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है।